नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। हमारे देश में पहचान छिपाकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आए दिन खबरें आ जाती हैं कि फलां जगह एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को बहला फसला कर शादी कर ली। इन मामलों में अक्सर धर्म परिवर्तन के मामले भी देखे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी सामने आया है। इस मामले की तरफ देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे महिला की मजबूरी का जमकर फायदा उठाया गया। यह ऐसा मामला है जिसमें शादी के बाद महिला का जमकर उत्पीड़न किया गया। इस दौरान पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। पीड़िता ने वही कहा जो अक्सर कई हिंदू लड़कियों के साथ होता आया है। पीड़िता ने कहा कि एक मुस्लिम युवक ने अपनी पहचान छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 6 महीने पहले हुई थी। इन 6 महीनों के दौरान वो गर्भवती भी हो गई। इस दौरान जब भी वो घर में पूजा करने की कोशिश करती तो उसके ससुराल वाले उसे पूजा नहीं करने देते और जबरन नमाज पढ़ने का दबाव बनाते थे। पीड़िता ने इस मामले में तहसील दिवस के मौके पर तहरीर दी। फिर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी पर केस दर्ज कर लिया। पीड़िता ने बताया कि उसने पहले भी इस मामले में शिकायत दर्ज की थी लेकिन समझौता हो गया। पीड़िता ने कहा कि ससुराल वाले मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूं, वो कहते हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगी तो तलाक दे देंगे। इस मामले में पुलिस ने कहा कि 6 माह पहले जब युवक और युवती की शादी हुई थी तो तभी से दोनों हिमाचल में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि युवती को बेहद प्रताड़ित किया जा रहा था और तलाक की धमकी भी दी जा रही थी, लेकिन पीड़िता फिर भी चुप थी। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।